हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। दिस इज अ न्यू चैप्टर। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन इन डिफरेंट सिचुएशंस। आपने पहले के जब क्लासेस में आप थे तो आपने नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट लगाना सीखा था, एंड आपने ये भी सीखा था कि उस पॉइंट को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो, बट वो खाली नंबर लाइन के ऊपर था। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर डिफरेंट सिचुएशंस हैं तो वहां पे आप पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब करोगे। अब देखो, ये दो रेक्टेंगल्स है, ठीक है, एंड ये आपका पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट। अब आप बोलो कि आप इस पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब करोगे। ये हो गया आपका ए फिगर एंड दिस इज योर बी फिगर। क्या आप ये बोल सकते हो कि ये पॉइंट जो है ये लेफ्ट साइड के बहुत पास है, या फिर अपर लेफ्ट साइड के बहुत पास है, या रेक्टेंगल के ऊपर वाले हिस्से में है? आप ऐसा बोल सकते हो क्या? क्या ये एग्जैक्ट पोजीशन आपको बता रहा है, आपको कुछ भी समझ में आ रहा है? नहीं ना। तो इसीलिए अब हम रूलर यूज करते हैं। लाइक हम सेंटीमीटर से काउंट करते हैं कि एग्जैक्ट उसका डिस्टेंस क्या है आपके साइड से, ठीक है। सो हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो आपका हिस्सा है, दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एंड अब नीचे लाइन जोड़ दो, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये जो लेंथ है आपका, ये लेंथ इज 9 सेंटीमीटर्स एंड ये जो ब्रेथ है दिस इज योर 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब आपको अगर बोलना है कि ये पॉइंट रेक्टेंगल में कहाँ एग्जैक्टली लोकेटेड है, सो आप बोलोगे बेस से 9 सेंटीमीटर ऊपर और लेफ्ट साइड से 3 सेंटीमीटर अंदर, करेक्ट। इसको आप ऐसे बताओगे, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। अब यहां पे ये एक क्लासरूम है, ये जो स्क्वायर है ये क्लासरूम है, एंड ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं ये आपके टेबल्स हैं, ठीक है। दी स्मॉल ग्रिड्स आर योर टेबल्स। अब बोला है कि टीचर का डेस्क यहां पर है एंड यहां पे सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, ठीक है। ये कॉलम्स हैं एंड ये रोज हैं, ठीक है। टी शोज टीचर्स डेस्क, एस शोज सोनियास डेस्क। अब देखो सोनिया कहां है, सोनिया यहां पर है, ठीक है। तो अब आप बोलो कि सोनिया का पोजीशन क्या है, वो कौन से जगह पे एग्जैक्टली बैठी है। आप क्या बोलोगे कि एकदम बेस के पास बैठी है? नहीं ना। तो कैसे बोलोगे? शी इज सिटिंग इन द 4th कॉलम एंड 1st रो, मतलब वो 1st रो के 4th कॉलम में बैठी है, या फिर 4th कॉलम के 1st रो में बैठी है। तो अगर आप कॉलम कॉमा रो करो, सी स्टैंड फॉर कॉलम, आर स्टैंड फॉर रो, ठीक है। यहाँ पे मैंने खाली अज्यूम किया है, एक्चुअली में आप ऐसा नहीं लिखोगे। कॉलम कॉमा रो में आप लिखोगे 4, 1, दैट इज सोनिया इज सिटिंग इन द 4th कॉलम एंड 1st रो, ठीक है। अब आप बोलो कि अब एक और कोई स्टूडेंट ले लो, ये जो आपको ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये पूरा बॉक्स, इसका पोजिशन आप बता सकते हो सेम कॉलम कॉमा रो से? वेरी गुड, दिस इज द 5th कॉलम एंड 3rd रो। सो आप यहां पे एरो बना के लिख सकते हो 5, 3, 5th कॉलम 3rd रो। अब मुझे एक बात बताओ, कॉलम कॉमा रो करते हैं हम, ठीक है, हम कॉलम कॉमा रो से ही जा रहे हैं, क्या 4, 1 इज इक्वल टू 1, 4? क्या 4th कॉलम एंड 1st रो इज इक्वल टू 1st कॉलम एंड 4th रो?
नो, क्योंकि अगर फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ रो है सो ये फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ रो ये पोजिशन हो जाएगी, बट हमने तो ये पोजिशन आइडेंटिफाई की थी 4,1 की, सो ये गलत हो जाएगा. सो 4,1 इज नॉट इक्वल टू 1,4, करेक्ट. सिमिलरली 5,3 इज नॉट इक्वल टू 3,5, ओके. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स. मतलब क्या बोल रहा है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको दो परपेंडिकुलर लाइन्स रिप्रेजेंट करते हैं. अब एग्जाम्पल ले लो, हमारा जो पहले वाला था ये रेक्टेंगल है, ये पॉइंट है, ठीक है. अब इसको रिप्रेजेंट करना है, सो हमने यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ की थी, तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की दोनों, दीज आर योर परपेंडिकुलर लाइन्स. ये दोनों लाइन्स को क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर लाइन्स. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड ऑन दिस आइडिया वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय द फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस. ठीक है, ये खाली आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन सा आइडिया पे बेस हुआ था. इस आइडिया पे बेस हुआ था कि पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ एक्सरसाइज, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास एक स्टडी टेबल है, उसके ऊपर एक लैम्प रखा है, तो आप अपने फ्रेंड को या किसी को भी कैसे बताओगे कि उस टेबल लैम्प का पोजिशन क्या है. सो लेट योर टेबल लैम्प बी पी एंड टेबल बी अ प्लेन. प्लेन मतलब क्या हुआ, ये प्लेन हो गया, ठीक है. एंड लेट अ टेबल लैम्प बी पी, आप कहीं भी पी को प्लेस कर दो, एक डॉट करो एंड पी लिख दो, मतलब कि P represents what? Table lamp. ठीक है, same procedure. अब आप इस point का position कैसे बताओगे? Two perpendicular lines draw करके, first perpendicular line आपके breadth में intersect होगी, this is a perpendicular line, and दूसरी perpendicular line आपके length में जाके intersect होगी. ठीक है, अब मैं यहां पर assume कर रही हूं कि ये जो है ये आपका 2 सेंटीमीटर है, एंड जो आपका ये है दिस इज योर 4 सेंटीमीटर, एंड आप इसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, सपोज आर क्यू. सो योर आर पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स एंड पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स. सो पोजिशन क्या हो गई, या तो आप 2,4 लिख सकते हो या फिर 4,2 लिख सकते हो. हम 2,4 लिख देते हैं या 4,2 लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, वील राइट 4,2. ठीक है, बट आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा दिस इज कॉलम कॉमा रो, ओके, जैसे हमने पहले में किया था. नाउ स्ट्रीट प्लान, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत इजी है, ये एग्जाम्पल में भी आपका था. अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. दो मेन रोड है जो सेंटर ऑफ द सिटी में क्रॉस करते हैं, मतलब ऐसा दो मेन रोड ले लो, ठीक है. दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. मतलब क्या बोल रहा है कि आपको बेसिकली डायरेक्शन मार्क करने हैं इस लाइन में. कैसे, आपको पता है ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, आपको पता है. हाँ, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर्स अपार्ट. ठीक है, बोल रहा है कि जो बाकी स्ट्रीट्स हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली लाइंस में एंड नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन लाइंस के पैरेलल है, एंड सारी स्ट्रीट
200 मीटर्स अपार्ट है, ठीक है। अब देर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। ईच डायरेक्शन मतलब क्या, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट, तो टोटल स्ट्रीट्स कितनी हो गई, 10। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर्स। अब ये क्या हो गया ग्राफ में, इसको आप क्या बोलोगे, स्केल। ये आपको ग्राफ की स्केल दी है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर्स, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। और आगे क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द रोड्स और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स। मतलब आपको कुछ भी कलरफुल नहीं करना, या फिर दो लाइन्स करके उसके बीच में शेड वगैरह कुछ नहीं करना। यू नीड टू ड्रॉ ओनली सिंगल लाइन्स लाइक दिस, ठीक है। देर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट मतलब क्या हुआ, दिस इज योर 1 क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। अब ये आपका मेन रोड हो गया एंड ये हो गया आपका एक क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। अब क्रॉस स्ट्रीट में ये वाला जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया एंड ये वाला ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो गया, करेक्ट। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब जो हर एक क्रॉस स्ट्रीट है उसको इस तरह से रेफर किया गया है। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट एज 2,5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। मतलब ये क्या बोल रहा है कि पहला ये जो 2 है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है एंड ये जो 5 है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। सो आप कैसे माफ करोगे, नॉर्थ साउथ का पहला 2 एंड देन ईस्ट वेस्ट का 5, उल्टा नहीं करोगे। पहले हम 2,5 मार्क करते हैं, ठीक है। अब ये आपकी स्ट्रीट है, देखो ये सब कुछ सेटिस्फाई कर रही है सारे कंडीशंस। ये क्रॉस स्ट्रीट है मेन रोड, ये आपके क्रॉसिंग्स है, ठीक है। अब 2,5 आपको मार्क करना है, उसमें क्या बोला है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कॉमा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 2 कहाँ है, 2 यहाँ है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 कहाँ है, देखो स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, 5, ये है आपका पॉइंट 2,5, समझ में आया। सेकेंड कॉलम एंड 5th रो, ठीक है, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का 2nd एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का 5th स्ट्रीट। आगे बढ़ते हैं, फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। मतलब कितने क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जो 4,3 में आएंगे। 4,3 का है 4 सेम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 3 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। सेम लॉजिक लगाओ, 3 एंड 4। अब हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स बोला है, देखो ये एक क्रॉस स्ट्रीट हुआ एंड ये एक क्रॉस स्ट्रीट हुआ, सो हर एक पॉइंट में सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट है। तो इससे आपको क्या पता चला, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3,4, ओनली 1 स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4, करेक्ट। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने पढ़ा कि एक पोजीशन को डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ये एडवांस लेवल है आपके नंबर लाइन से, ठीक है।
बहुत इजी है, प्रैक्टिस करो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।